जैसलमेर के पोखरण में गुरुवार को बच्चों को स्कूल ले जा रही एक स्कूल वैन का रेडिएटर फट गया। इसके चलते 3 बच्चे झुलस गए। एक बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। यहां रामदेवरा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को लेकर टाटा एस जा रही थी। वैन में 22 बच्चे सवार थे। गाड़ी में आगे 3 बच्चे बैठे थे। गाड़ी गोमेट गांव से गुजर रही थी कि तभी रेडिएटर फट गया। रेडिएटर फटने से गर्म पानी 7 वर्षीय कुलदीप पर आ गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से झुलस गया। इसके साथ ही गाड़ी में सवार 2 और बच्चे भी झुलस गए। इसके बाद ड्राइवर ने बच्चों को संभाला और लोगों को सहायता के लिए बुलाया। दूसरे वाहन से बच्चों को पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर एक बच्चे को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे।